हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया टीम जूलोजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुरु नीति का एपिसोड फिफ्थ जिसमें जूलोजी की फिफ्थ यूनिट इंक्लूड है इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट और उसके साथ रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर में आई ईयर जो है वो इसके साथ शामिल है अब इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसमें देखिए मसल्स के स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है वो मसल्स के हैं फिर स्केलेटन के फिर इनके डिसऑर्डर के क्वेश्चन है तो आप इसमें वेटेज भी देख सकते हो कि किसमें से लगभग लगभग कितने क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आ रहे हैं क्लियर तक तो इसमें सबसे पहले देखिए नीट 2013 में मसल्स का क्वेश्चन है द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर डू टू स्केलेटल मसल फाइबर में मायोसिन का तो फिल्मेंट है। होते हैं और यहां एक्टिन फिलाेंट इस टाइप से एक्टिन फिल्मेंट होते हैं जेड लाइन होती है इस टाइप से एक मसल फाइबर होता है एच जोन जो होता है वो इसके अंदर बीच का

ए बैंड क्या दे रखा? सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रो मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड मायोसिन फिलामेंट के थ्रू इसमें ए बैंड के ऊपर एक्सटेंड होना क्लियर तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एच जोन है वो कौन सा जोन है ये एच जोन बताया आपको तो एच जोन सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स का सेंट्रल गैप थ्रो एक्सटेंडिंग थ्रू माओसिन फिलामेंट इन दैंड ए बैंड के अंदर माओसिन फिलामेंट के ऊपर तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट ही हो जाएगा अगले में देखा है ऑप्शन में देखें आप एक्सटेंशन और माओसिन फिलामेंट माओसिन फिलामेंट का एक्सटेंशन नहीं है माओसिन फिलामेंट जहां है वही के वही है केवल एक्टिन फिलामेंट का एक्सटेंशन होता है क्लियर यहां तो ये इनकरेक्ट है

उसके बाद आप देखें मसल्स पे ही नेक्स्ट जो आया हुआ क्वेश्चन है वो इनमें मसल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तंतु विसर्पण सिद्धांत की सबसे अच्छी व्याख्या की जा सकती है इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको ध्यान है अभी आपको बताया था कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड करके यहां तक आ सकते हैं तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करके आ सकते हैं मायोसिन के ऊपर आ सकते हैं अब इनके अंदर एक्टिन फिलामेंट जो स्लाइड करके मायोसिन पे आ रहे हैं वो केवल अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं स्लाइड करते हुए मायोसिन के ऊपर आ रहे हैं ना कि इसमें जो है वो किसी भी एक फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंजेस आ रहा हो नहीं तो मायोसिन फिलामेंट छोटे होते हैं ना एक्टिन फिलामेंट छोटे होते हैं

माओफिला जब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो माओसिन फिलामेंटन फिल्मेंट डू नोट शोर्टन तो दोनों ही शॉर्ट नहीं होते ना तो एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट होते हैं ना माओसिन फिलामेंट शॉर्ट होते हैं साइज में कोई चेंज नहीं आएगा इसके दोनों की लेंथ में इसलिए गलत हो गया फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट में देखें वेन मायोफिलाइड पास इच अदर

एक्टिन फिलमेंट शोर्टन एंड स्लाइड पास इचर दोनों छोटे होते हैं और एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं यह भी इन करेक्ट है छोटे को ऐसे भी नहीं होते है। अगला है एक्टिन एंड मायोसिन फिल्मेंट डू नॉट शोर्टन ये करेक्ट है दोनों ही शोर्ट नहीं होते बट रादर स्लाइड पास इच अतर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके आ सकते हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है क्लियर समझ में आ गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें आप क्वेश्चन नंबर थ्री लेक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रेक्शन इज नोन एज लेक ऑफ रिलैक्सेशन लेक ऑफ रिलैक्सेशन का मतलब वापस कोई मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो सक्सेसिव स्टिमुलाई के आने पर उसका वापस रिलैक्सेशन जो है वो नई कई टाइम तक नहीं होता ये कंडीशन जो है वो क्या होती है टिटनेस होती है टिटनेस के पेशेंट में जो है वो आपने देखा होगा कि एक बार मसल्स के अंदर लॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन हो जाते हैं और मसल्स के अंदर लॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद वो मसल्स वापस अपनी उसी कंडीशंस में नहीं आती वापस जल्दी से वो रिलैक्स नहीं हो पाती तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर रह जाए और लंबे टाइम तक रिलैक्सेशन नहीं हो उस कंडीशन में क्या हो जाता है टिटनेस हो जाता है क्लियर आ तक तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा टिटनेस उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर स्मूथ मसल्स आर्ट। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं स्मूथ मसल्स में आपने देखा होगा इस टाइप से स्पिंडल सेप या फ्यूजी फॉर्म होगी इस टाइप से स्पिंडल सेप या फ्यूजी फॉर्म होती है यूनि न्यूक्लिएट होती है और क्या रहेगी अनस्टेटेड होती हैं तो इनवॉलंट्री होगी इनवॉलेंट्री है, फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल सेप होती है नॉन स्टेटेड होती है तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा फोर्थ आ जाएगा इनवॉल्ट्रिय फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल है और नॉन स्टेटेड होती है क्लियर यहाँ तक और अगर इसमें पूछा जाए वॉलेंट्री मसल्स का यह स्ट्रेटेड मसल्स तो वॉलंट्री या स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो कैसी रहती हैं ये स्ट्रेटेड होंगी स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री होती हैं और उसके साथ साथ किस टाइप की होंगी ये स्ट्रेटेड होंगी जगह जगह सिलेंड्रिकल होंगी वो ठीक है तो इसमें करेक्ट आंसर स्मूथ मसल्स के लिए किया जाएगा इन है है फॉर्म है और नॉन स्ट्रेटेड है फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज इट कैल्शियम स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए महत्वपूर्ण तो है क्यों महत्वपूर्ण तो है क्योंकि कैल्शियम आयन जो है वो क्या करता है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाता है क्लियर आज जब तक ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट को मास्क करके रखेगा तब तक एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग नहीं होगी और एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग नहीं होगी तब तक दोनों में जो है मसल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा मायोसिन एक्टिन को अपने ऊपर नहीं खींच पाएगा इसका मतलब क्या होगा इनमें कैल्शियम आयन जो है वो क्या करता है कैल्शियम आयन है वो एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा जैसे ही वो एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होते ही ट्रोपोनिन वहां से हट जाएगा ट्रोपोनिन जैसे ही एक्टिन फिलामेंट से हटा उसकी एक्टिव साइट कैसी हो गई अनमास्क हो गई एक्टिव साइट के अनुमास्क होने पर मायोसिन हेड है वो उसके साथ जाके अटैच हो जाता है उसके साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद एटीपी का यूज करके और वो उसके अपने ऊपर स्लाइड करवाता है क्लियर तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आना चाहिए कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज इट इसमें देखा है डिटेज द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट डिटेज का मतलब सेपरेट करना तो उसको सेपरेट नहीं करता है मायोसिन से को अलग कर देता है तो ये गलत है अलग नहीं करेगा प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट तो ये प्रिवेंट भी नहीं करता प्रिवेंट नहीं करता बल्कि क्या करवाता है इनकी बॉन्डिंग करवाता है किसके थ्रू वहां से ट्रोपन इनको हटा के समझ गए अनमास्क करके उसकी एक्टिव साइट को नेक्स्ट तो प्रिवेंट ऑफ प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन filament, ये भी इनकरेक्ट हो गया एक्टिवेट द माओसिन टू इट इसमें इसका रोल नहीं है बाइंड टू ट्रोपोनिन myosin से बाइंड होने के लिए एक्टिन filament की जो एक्टिव साइट है उसको अनमास्क करता है किसके थ्रू ट्रोपोनिन को वहां से रिमूव करके Clear? तो करेक्ट आंसर जो है वो वो क्या रह जाएगा इसका Fourth answer जो है वो इसमें correct answer जाएगा. Clear तक? उसके बाद आप देखें next, question number six. number question है 2021 में आया हुआ question है में आया इसमें आप देखिए क्या दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स की नेचर को रिप्रेजेंट या गलत तरीके से रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है क्लियर पहला द आर दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है क्योंकि सीएनएस के अंडर कंट्रोल में फंक्शन नहीं करती तो ये करेक्ट मैच है कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्मड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क इंटरकैलेटेड डिस्क जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन जो होता है वो किसमें होता है ओनली कार्डियक मसल्स में तो ये कार्डियक मसल्स के लिए होता है इनवॉलेंट्री मसल्स के लिए या अनस्टेटेड या स्मूथ मसल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता तो ये इसके लिए जो है वो क्या रहेगा ये इसमें रोंगली मैच हो गया क्लियर तो ये रॉन्गली मैच पूछा है तो क्या हो गया इसके लिए दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कि ये मसल्स किस में होती है ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ये मसल्स प्रेजेंट होती है तो ये इसमें करेक्ट है

करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड कि कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर मसल कॉन्ट्रेक्ट हो रही है तो इनमें कौन कौन से इवेंट प्रेजेंट होंगे तो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है उस टाइम एच जोन अभी आपको बताया था एच जोन कहा है एक्टिन फिलामेंट जहां मायोसिन के ऊपर एक्सटेंड हो रहे हैं उनके बीच का गैप जो होता है वो एच जोन होता है तो एच जोन हो जाएगा जब मसल होकर होंगे ए बैंड की वैसी रहेगी उतनी कॉन्स्टेंट साइज में रहेगा ए बैंड इनकरेक्ट करेक्ट है आई बैंड रिड्यूसेस इन बैंड जो है ये आई बैंड टी नहीं है आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ आई बैंड की विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी सही है क्योंकि जेड लाइने पास पास आ जाएंगी जेड लाइने पास आ जाएंगी और एक्टिन फिलाेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके ऊपर आ जाएंगे तो क्या रहेगा उस कंडीशन में आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो आई बैंड की साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी तो ये हो गया आई बैंड की साइज रिड्यूस हो गई मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी

जेड लाइन्स अटेस्ट टू एक्टिन से जुड़ी हुई जेड आर पुल्ड वर्स अंदर की तरफ खींची जाएगी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये भी करेक्ट है ये भी क्या करेगा जेड लाइन जो है उनको भी क्या करेगा अपनी तरफ खींचेंगे तो वो मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट जैसे ही आ जाएंगे तो जेड लाइन पास आ जाएंगी जेड लाइन पास आने का मतलब सार्कोमियर छोटा हो जाएगा क्लियर तो मसल कॉन्ट्रेक्शन ए होगा सी होगा डी भी होगा और ई e ई भी होगा तो A, C, D, e. तो डी ये करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर एट एट नंबर क्वेश्चंस में देखिए आप कॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा आई बैंड इनक्रीजेज इन लेंथ आई बैंड की लेंथ इंक्रीज होगी गलत है आई बैंड की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आई बैंड इंक्रीजेज इन लेंथ लेंथ इंक्रीज नहीं होती कॉन्ट्रेक्शन होता है तब डिक्रीज होती है केवल तो ये इनकरेक्ट द एक्टीन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड ए बैंड से दूर जाएंगे इन शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर सार्कोमियर की शॉर्टनिंग के टाइम जो है वो उससे दूर जाएंगे ये क्या रहेगा गलत है या सही है तो ये इनके अंदर रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर तो ये भी इनकरेक्ट हो गया एक्टिन फिलाेंट स्लाइड अवे फ्रॉम द ए बैंड शॉर्टनिंग सार्कोमियर छोटा होगा तब क्या होंगे मायोसिन के ऊपर पास आएंगे

तो इसका मतलब ये भी इन करेक्ट हो गया लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज ए बैंड की लेंथ कभी चेंज नहीं होती ये करेक्ट है तो फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन ह्यूमन में लोकोमोशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है तो ह्यूमन में लोको मोशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे स्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन सारे द वर्टिबल कॉलम टेन थोरेसिक वर्टिब्री वर्टिबल कॉलम में टेन थोरेसिक वर्टिब्री नहीं होती कितनी होती है ट्वेल्व थोरेसिक वर्टिब्री होती है इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया द ज्वाइंट बिटवीन एट देंट इज ए फाइब्रस जॉइंट ये भी इनकरेक्ट हो गया जॉइंट वर्टिब्री जो होती है उनके बीच कौन सा जॉइंट होता है कार्टिलेजनस जॉइंट होता है जिससे वो पार्शियली मूवमेंट एक दूसरे पर कर सकती हैं क्लियर सेकंड इनकरेक्ट है ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेर ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेर प्रोजेस्टेर गलत है क्या होना चाहिए एस्ट्रोजन का डिक्रीज लेवल तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज इन ओल्ड पीपल तो एस्ट्रोजन का डिक्रीज लेवल है उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया प्रोजेस्टेरॉन दे रखा है एक्ूमुलेशन यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इनफ्लामेशन ये भी ये इसमें करेक्ट हो गया यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेशन होना वो जॉइंट्स में इनफ्लामेशन कर देता है क्या होता है गाउट डिजीज में होता है क्लियर आ तक तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया बाकी तीनों इसके लिए इनकरेक्ट हो गए क्लियर उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट ग्लिनोइड कैविटी ध्यान होगा आपको कहाँ होती है पैक्टोरल गर्डल में होती है इस टाइप से ये स्केपुला और ये स्केपुला के अंदर ये स्केपुलर स्पाइन होता है और इसके साथ ये क्लेविकल जुड़ी होती है यहाँ ग्लिनोइड कैविटी है ग्लिनोइड कैविटी में क्या फिट होता है यूमरस जो बोन होती है उस यूमरस बोन का हेड है वो इसके अंदर फिट होता है तो यूमरस और स्केपुला इन दोनों के बीच जो है वो कौन सी होती है ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट तो ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट किस किस को कर रही है विद तो ये स्केपुला बोन को यूमरस के साथ आर्टिकुलेट कर रही है तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इनमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट बॉडी हीट का प्रोडक्शन स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं होता कौन सा नहीं है यही पूछा है तो कौन सा नहीं है इसका मतलब जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट बॉडी हीट का प्रोडक्शन इसका फंक्शन नहीं होता नेक्स्ट है लोकोमोशन में हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इसमें भी ध्यान होगा आपको बोन मेरो के अंदर क्या बनती है आरबीसी की फॉर्मेशन होती है तो बोन मेरो में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है इसका मतलब ये में भी हेल्प कर रही है लोकोमोशन में भी हेल्प कर रही है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स कैल्शियम आयन है उनका स्टोरेज भी होता है इसमें तो बाकी सारे फंक्शन होते हैं कौन सा फंक्शन इसका नहीं होता प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट बॉडी हीट का प्रोडक्शन करना इसका फंक्शन नहीं होगा तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू का क्वेश्चन है नीट में आया हुआ है

फर्स्ट टू कॉलम से और स्टर्नम से कनेक्ट है तो ये है। vertebra, vertebra, का मतलब कौन कौन सी Eighth, ninth, ये तीन पेयर है वो किससे जुड़ी हुई है डोरसल साइड में वर्टिपल कॉलम से वेंट्रल साइड में कार्टिलेज से जुड़ी होती है से, और हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू आगे जाके किससे जुड़ेगी सेवन रिप से इसका मतलब ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स है एंड टू पेयर्स आर वर्टिप्रल रिब्स टू पेयर वर्टिपल रिब्स कौन सी होती है जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो कैसी होती हैं ओनली वर्टिप्रल रिब्स है क्योंकि वो डोरसल साइड में केवल वर्टिपल कॉलम से अटैच होती है वेंट्रल साइड में वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती इसलिए वो क्या होती है ओनली वर्टिप्रल रिब्स है वो करेक्ट है ये भी तो ये इसमें करेक्ट हो गई एट्थ नाइन्थ एंड पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम डायरेक्टली स्टर्नम के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं होती किसके -किस थ्रू होती है ये हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जो है वो सेवेंथ पेयर रिब्स के साथ अटैच होती हैं। क्लियर तो ये इनकरेक्ट हो गए इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज ये इलेवेंथ और ट्वेल्थ किसी से वेंट्रल साइड में अटैच नहीं होती ये फ्लोटिंग रिब्स है जो वेंट्रल साइड में फ्री होती है डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होती है हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जो है वो रिब्स के साथ या स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं तो वो कौन सी होती हैं हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं वो एथ टाइम टेंथ होती हैं इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा सेकंड स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है बाकी इसमें इनकरेक्ट है क्लियर यहां तक तो आंसर सेकेंड हो गया इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैच द कॉलम मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉलम्स को मैचिंग करके सेलेक्ट करना है इसमें करेक्ट ऑप्शन को कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड है फर्स्ट फ्लोटिंग रिब्स फ्लोटिंग रिब्स में डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम फ्लोटिंग रिब्स किसी के साथ कनेक्ट स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होती करेक्ट है एक्रोमियन एक्रोमियन किसका प्रोसेस होता है क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच होती है तो वो स्केपुला का प्रोसेस होता है उसके साथ आके क्लेविकल अटैच होती है तो ये आ जाएगा इसके साथ स्केपुला हेड ऑफ यूमरस यूमरस का हेड जो है वो स्केपुला के अंदर स्केपुला स्केपुला, इसके साथ फ्लोटिंग रिब्स जो है उसके साथ तो क्या आ जाएगा डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम ये हो जाएगा एक्रोमियन ये क्लेविकल बोन अटैच होती है इसके साथ लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ स्केपुला कहाँ होती है ये जो है, अभी आपको थी, वो किस -किस को कवर करके रखती है क्लियर यहाँ तक ये स्केपुला एंड ग्लिनोइड कैविटी क्या होगी जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है अभी आपको बताया था डायग्राम बना के तो ग्लिनोइड कैविटी जो है उसमें हेड ऑफ स्केपुला है हेड ह्यूमरस ये फिट होगा और बनती कैविटी स्कैपुला बोन में क्लियर यहां तक तो करेक्ट जो है वो क्या जाएगा ए के साथ फोर बी के साथ थर्ड फोर थी उसके अकॉर्डिंग ए के साथ फोर्थ बी के साथ थर्ड फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें भी मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड कॉलम मैचिंग करना है इसमें भी स्केपुला क्या रहेगा ट्राइंगुलर बोन होगी अभी आपने देखा था डायग्राम में स्केपुला ट्राइंगुलर फ्लैट बोन क्रेनियम क्रेनियम में फाइब्रस जॉइंट होते हैं क्रेनियम की जो क्रेनियल बोन्स है फ्रंटल टेम्पोरल पेराइटल ऑक्सीपिटल फिनोइड एथमोइड वो सारी किससे जुड़ती है वो फाइब्रस जॉइंट के थ्रू जो है वो कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होती है स्टर्नम स्टर्नम इसमें फ्लैट बोन होगी वर्टिपल कोलम इसमें कार्टिलेजनस ज्वाइंट होते हैं जो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट होता है कार्टिलेज के थ्रू बीच बीच में इंटर कैलेटेड डिस्क होती है इसमें इनके अंदर जो है वो क्या होती है हाइलिन कार्टिलेज है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है क्लियर सॉरी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है वो उसमें प्रेजेंट होती है क्लियर आए तो कार्टिलेजनस ज्वाइंट बनेगा उनके बीच तो इसमें आप देखें स्केपुला क्रेनियम स्टर्नम कॉलम इसके साथ मैचिंग अगर देखें स्केपुला की मैचिंग ट्रायंगुलर फ्लैट बोन के साथ फोर्थ हो जाएगा फिर क्रेनियम थर्ड हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट तो फोर्थ फोर्थ थर्ड और फोर्थ, थर्ड उसके बाद स्टर्नम फ्लैट बोन सेकंड डी वर्टिबल कॉलम जॉइंट थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर समझ में आ रहा है इस टाइप से जो है वो इनकी मैचिंग करवानी है उसके बाद आप देखें से कौन सा वर्टिपल कोलम की के बीच में प्रेजेंट होती, तो होती, होती है तो क्या प्रेजेंट होती है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा कार्टिलेज कौन सा जॉइंट होता है इनमें कार्टिलेजनस जॉइंट होता है जिससे वर्टिबल कॉलम की वर्टिबली एक दूसरे पर पार्शियल मूवमेंट कर सकती हैं तो ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है उसमें कौन सी कार्टिलेज है वो इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है जो इंटरकैलेटेड जो इनके बीच बीच में जो है वो इंटरवर्टिबल डिस्क बना रही है तो इंटरवर्टिबल डिस्क जो बनाती है वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज बनाएंगी तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के थ्रू ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के थ्रू जो है वो ये बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं आर्टिकुलेट होती हैं तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रह जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा कार्टिलेज उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें भी आप देख रहे हो कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल ऑफ ए साइनोबियल इज फ्लू फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स द कैरेक्टिस्टिक एंड एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइनोवियल ज्वाइंट इन ह्यूमन इज इसमें करेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है फ्लूड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस कौन सा ज्वाइंट है ये साइनोवियल ये, ज्वाइंट के अंदर पाइवट ज्वाइंट होता है तो पाइवर्ट ज्वाइंट या दुराग्र संधि के अंदर एटलस और एक्सिस वर्टिब्री क्या इनके बीच साइनोवियल ज्वाइंट बन रहा है वो पाइवर्ट ज्वाइंट है जिनके बीच क्या बरा होता है साइनोवियल फ्लूड बरा होगा तो ये इसमें करेक्ट हो गया फर्स्ट ही लिम्फ फिल्ड बिटवीन टू बोन्स लिम्फ नहीं होता ये साइनोवियल फ्लूड होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स बता रहा है इनकरेक्ट है तो पहला ही इसके अंदर जो है वो करेक्ट हो जाएगा फ्लूड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट नी जॉइंट नी जॉइंट में फ्लूड कार्टिलेज नहीं होता कार्टिलेजनस जॉइंट नहीं है यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट होता है यहाँ भी साइनोवियल फ्लूड ही होता है उसके बाद है फ्लूड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड्स क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है तो वो कौन सा होता है वर्टिबल कॉलम के अंदर होता है स्कल बोन में नहीं होता है स्कल बोन में ओनली फाइब्रस जॉइंट होता है जो क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता है क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले कौन सी है इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जो जॉइंट का टाइप होता है क्लियर तो करेक्ट आंसर इसमें क्या जाएगा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जाम्पल

करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट देखें आप विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अलाउ नो मूवेंट इनमें से कौन सा ज्वाइंट है जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा तो इनमें से से चारों में से कौन सा है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता या जिसको इमूवेबल ज्वाइंट कह सकते हैं फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वो इमूवेबल ज्वाइंट होता है जिसमें बोन्स आपस में फाइब्रस ज्वाइंट के थ्रू

एंड एक्सेस इज अ टाइप ऑफ टाइप की जॉइंट होती है तो साइनोवियल फ्लूड के ऊपर ये बोन्स एक दूसरे पर इजीली रोटेट हो सकती है इस तरह का जॉइंट जो है वो क्या होता है इनमें साइनोवियल जॉइंट होता है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा कि एटलस और एक्सिस जॉइंट है वो किस टाइप के जॉइंट होते हैं इनके बीच वो पाइवर्ट जॉइंट होता है और पाइवर्ट जॉइंट के अंदर इन दोनों बोन्स के बीच साइनोवियल फ्लूड भरा होता है और दोनों के एंड पर हाइलिन कार्टिलेज होती है क्लियर आता है इसलिए किस टाइप का जॉइंट हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड इनहेरिटेड का मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है माइस्थेनिया जेनेटिक नहीं है बोटुलिज्म जेनेटिक नहीं है टिटेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या सक्सेसिव जनरेशन में इनहेरिटेंस करता है क्लियर आ तक जो कैसी होती है एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट होती है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होती हैं तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी सोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो ये डोमिनेंट ट्रेट होती है तो ये इनके अंदर एक से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो इसकी इनहेरिटेंस हो सकती है इस टाइप से जो है वो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहाँ तक तो ये इसमें मसल्स के इनके क्वेश्चन है हाँ तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्रोनिक इम्यून डिसऑर्डर एफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिंग वीकनिंग एंड पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कोल्ड एज तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको इफेक्ट करने वाला इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें जिसके कारण मसल्स में फैटिग हो जाती है वीकनेस होती है और उसके साथ साथ स्केलेटल मसल्स जो है उनमें पैरालसिस हो जाती है तो इस टाइप का डिसऑर्डर है वो कौन सा होता है माइस्थेनिया ग्रेविस तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस है वो इस टाइप का डिसऑर्डर है अपने आप में ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों है ये कि इसमें बनने वाली जो एंटीबॉडी है बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी मसल फाइबर के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनको खत्म कर देती है तो एसिटिलकोलिन के जो रिसेप्टर मसल फाइबर से डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो उसके कारण से वो मसल फाइबर है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वहां तक न्यूरल सिग्नल है वो नहीं आएंगे न्यूरल सिग्नल नहीं आने से क्या होगा न्यूरल सिग्नल अगर एसिडिल कोलिन न्यूरल सिग्नल लेके आ रहा है तो एसिडिल कोलिन के रिसेप्टर अगर नहीं होंगे उसमें तो न्यूरल सिग्नल नहीं आ पाएंगे न्यूरल सिग्नल नहीं आने से वो मसल्स काम करना बंद कर देगी मसल्स के अंदर फैटिक वीकनिंग और हो जाएगी तो इस तरह का डिसऑर्डर है वो कौन सा रहेगा माइस्थेनिया ग्रेविस होगा क्लियर तो ये करेक्ट आंसर सेकेंड रहेगा इसका नेक्स्ट इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 22, 22 में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट है assertion और reason, उसमें आपको देखना है कि एसरसन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आर ए का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है और दूसरा इसके साथ साथ दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इन करेक्ट है वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें एसरसन तो एसर्सन में आप देखें इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर अस्थि छिद्रता उसमें क्या होता है बोन मास कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा बोन मास कंटिन्यू डिक्रीज होने का मतलब कैल्शियम आयन जो है उसकी धीरे धीरे कमी होने लग जाएगी तो कैल्शियम साल्ट जैसे जैसे बोन में कम होगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा बोन में कैल्शियम साल्ट के कम होने के कारण बोन्स का बोन मास रिड्यूस होता जाएगा और बोन मास डिक्रीज होने के साथ साथ उसमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो हड्डियां ब्रेक हो जाती है तो फ्रैक्चर के चांसेस है वो उसके अंदर बढ़ जाते हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को सही कैरेक्टराइज कर रहा है इसका मतलब इस स्टेटमेंट जो ए है एसरसन ये करेक्ट है नेक्स्ट है कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का इंक्रीज लेवल है वो ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कारण होता है ये इसमें गलत हो गया क्यों हो गया गलत क्योंकि कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इनक्रीज लेवल देखा है उसकी जगह क्या आना चाहिए डिक्रीज लेवल जो है वो होना चाहिए अगर डिक्रीज लेवल होता है यहां तो सही होता है आंसर इसका तो कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन तो वो, इसका कॉमन कॉज है वो कौन सा रहेगा डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है इसलिए आर इनकरेक्ट है ए करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर आता तो ए करेक्ट हो गया आर इन करेक्ट स्टेटमेंट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द मोस्ट दिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर ए इज नॉट करेक्ट ये सॉरी सेकंड आ जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट ए करेक्ट स्टेटमेंट है और आर इसमें नॉट करेक्ट है क्लियर तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा नेक्स्ट इसमें आप देखें

ब्लड में कम हो जाने के कारण टिटनेस होता है तो इसमें फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा तो ये इनमें टिटेनी हाई कैल्सियम लेवल दे रखा है इसके कारण से ये इनकरेक्ट हो गया उसके बाद सेकंड देखें माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है। ये जेनेटिक है तो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है किस टाइप का होता है ऑटो इम्यून इनकरेक्ट है डिसऑर्डर आग तो तो मतलब तो आगे देखें मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये भी गलत हो गया इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बता रहा है ये कैसा है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है क्लियर आ तक उल्टे कर दिए ग्रेविस जो डिजीज है उसको बता रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है है उसको बता रहा जेनेटिकम्यून डिजीज तो दोनों इनकरेक्ट हो गए अब आप देखें अर्थराइटिस ऑफ अर्थराइट इनफ्लाम्ड जॉइंट है वो अर्थराइटिस का सिम्टम है करेक्ट है तो अर्थराइटिस में क्या होता है जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाकी इनकरेक्ट है केवल फोर्थ करेक्ट है अर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनमें इनफ्लामेशन हो जाता है क्लियर तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया ट्वेंटी थ्री तो में देखा आपने नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में आया हुआ क्वेश्चन है और उसके बाद ट्वेंटी फोर इसमें देखें नीट सेकेंड टाइम जो नीट हुआ था उसमें 2016 में आया हुआ है दो बार नीट हुआ था को ध्यान हो दो तो सेकंड नीट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया ये ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर्स ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस जो एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है एज बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते जाते हैं तो इसका मेन कॉज जो है वो किसके कारण होता है ये तो अभी आपने पीछे क्वेश्चनों में पढ़ा है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस आप समझ रहे हो भाई कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो तीन बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ चुका है तो आपके कम से कम ये भी थोड़ा सा दिमाग में स्टक करना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो तीन बार रिपीट हो रहे हैं उसका मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है वो नीट में कई बार पूछे जाते हैं क्लियर यहां तक तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज्यादा डिवेटेज देना ज्यादा ध्यान देना उनपे तो आप देख रहे हो ऑस्टियोपोरोसिस का क्वेश्चन

देखें डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ये करेक्ट हो गया एस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल के कारण जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इनेशन ऑफ जॉइंट्स ये क्या होता है ये गाउट डिजीज के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए नहीं है क्लियर एक है इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिक ये किसके लिए माइस्थेनियर ग्रेविस के लिए तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण हो रहा है एस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होगा क्लियर है तक तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो गया उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है देखिए नीट सेकंड टाइम आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसमें आप देखें फर्स्ट मिजनर्स कॉर्पस्किल्स आर द थर्मो रिसेप्टर मिजनर कॉर्पस्किल्स थर्मो रिसेप्टर नहीं होते इनकरेक्ट है टच रिसेप्टर होते हैं जो कहाँ होते हैं स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिजनर्स कॉर्पस्किल्स है मिजनर कॉर्पस्किल्स है फ्रिजिडो रिसेप्टर्स है ये इस टाइप के पैसेंडियन कॉर्पस्किल्स है ये सारे कॉर्प है वो कहां प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं

डिसोशिएट हो जाएगा, जाएगाइज हो जाएगाइज तो हो जाएगा, होने का मतलब इंपल्स कंडक्शन जो है उसमें चल रहा है और जैसे इनके अंदर लाइट स्टिमुलस मिलेगा अचानक से एकदम तेज लाइट स्टिमुलस मिलेगा तो क्या हो जाएगा हाइपर पोलराइज हो जाएगा और हाइपर पोलराइज होने की कंडीशन में एक बार के लिए कुछ भी नहीं दिखता है अचानक देखते हो आप कि एकदम से तेज लाइट हो गई तो एक बार के लिए कुछ सेकंड के लिए जो है वो दिखना बंद हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होता है है इंपल्स कंडक्शन रुकेगा क्योंकि उस टाइम जो है, वो क्या होता है है हाइपर हो जाती है वो तो हाइपर पोलराइज हो जाती है तो ये इसमें स्टेटमेंट इसका करेक्ट स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मिजनस मिजनेसिल्स क्या होते हैं टच रिसेप्टर होते हैं ना कि थर्मो रिसेप्टर सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि डार्कनेस होती है उस टाइम डिपोलराइज होते हैं डिपोलियराइज होने के बाद जैसे इनमें लाइट स्टिमुलस मिलते हैं अचानक से लाइट स्टिमुलस के मिलते ही जो है वो हाइपर पोलियराइज हो जाती है और इम्पल्स कंडक्शन रुक जाता है तो ये इसमें सेकंड सही है थर्ड है रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल ग्रेडेड पोटेंशियल रिसेप्टर्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो रिसेप्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं इसका मतलब ये क्या बता रहा है डू नोट बता रहा है कि ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो इसमें प्रोड्यूस नहीं होते तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा हो गया गलत हो गया इसमें ग्रेडेड पोटेंशियल स्टिमुलेट होते हैं अगला है नोसिसेप्टर सेप्टर टू चेंजेस इन प्रेशर तो ये पेन रिसेप्टर होता है प्रेशर रिसेप्टर जो है वो क्या होते हैं पैसिनियन कॉरपकिल्स है वो पैसिडियन कॉरपर स्किल्स प्रेशर रिसेप्टर होते हैं और नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेन रिसेप्टर होते हैं ये किस स्टेप के होते हैं ये पेन रिसेप्टर होंगे इसका मतलब ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो तीनों चारों में से कौन सा हो गया सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 26 पार्ट्स ए बी सी डी ऑफ द ह्यूमन आई आर शोन इन द डायग्राम सेलेक्ट द ऑप्शन क्ट आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद फिर सी को बता रहा है ये, जो वो क्या चेंबर है? तो है वो क्या करता है जो लेंस से पास आउट हो रही है उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है क्या यह बता रहे डज नॉट पास जो लेंस से पास आउट नहीं होती फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है तो यह गलत हो गया इसमें तो उसको परावर्तित नहीं कर रहा है तो सी जो है वो इसके हिसाब से ये तो यहां तक सही है, है एक लेकिन ये लेंस से पास आउट नहीं होने वाली जो रेडिएशन है लाइट रेज है उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर तो ये इसमें पहला इनकरेक्ट हो गया सेकंड डी कोरोइड इट्स एंटीरियर पार्ट फॉर्म सिलियरी बॉडी क्या बता रहा है डी जो है वो क्या बता रहा है ये इट्स एंटीरियर पार्ट फॉर्म्स सिलियरी बॉडी ये कोरोइड नहीं है डी जो है वो क्या है ये स्क्लेरा पार्ट है डी जो है वो बाहर वाला पार्ट है सबसे आउटर लाइनिंग है वो स्क्लेरा है तो स्क्लेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब ये भी गलत हो गया ए रेटिना कंटेंस फोटो रिसेप्टर्स रोड और कोन सेल्स ए जो है वो क्या है ये देखो इनर सबसे इनर लेयर है वो क्या हो गई रेटिना होगी और रेटिना जो इनर लेयर है कंटेंस फोटो रिसेप्टर रोड्स एंड कोन सेल्स ये करेक्ट हो गया सी जो है ये ए जो है वो इसमें रेटिना है जो किसको इंडिकेट करता है रेटिना के अंदर क्या प्रेजेंट होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स या सेंसिटिव सेल्स सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगी रोड सेल्स और कॉन सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है क्लियर तक तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट किया जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए फोर्थ में है बी ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली ए फ्यू रोड्स एंड कॉन्स तो बी जो है वो है तो ब्लाइंड स्पॉट ये यहां तक तो सही है कि ब्लाइंड स्पॉट है ये लेकिन इसमें क्या दे रखा है हैज ओनली फ्यू रोड सेल्स केवल कुछ रोड सेल्स और जबकि ब्लाइंड है, है, है ना ही वहां तो इसलिए कभी भी इमेज फॉर्मेशन ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं बनती क्लियर आ तक तो ये इसमें गलत दे रखा है आइडेंटिफिकेशन सही है बी ब्लाइंड स्पॉट है लेकिन फंक्शन इसका सही नहीं है क्लियर आ तक तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा इसका थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना एज रेटिना है जिसमें रोड और कौन सेल प्रेजेंट होती है क्लियर तो आंसर आ जाएगा थर्ड उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सही नहीं है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है या सही नहीं है

जो है वो कैसे होंगे रेड कलर के लिए क्लोरोब में ग्रीन कलर के लिए और साइनोलेब में ब्लू कलर के लिए होते हैं ऐसे तीन तरह के फोटो फोटोपिगमेंट इनमें तीनों तरह की कौन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जबकि रोड सेल के अंदर जो है वो क्या होंगे एक ही जो है वो फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बाद है थर्ड रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी रेटिनल विटामिन सी का डेरिवेटिव है ये गलत है रेटिनल किसका डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है वो रेटिनल होता है क्लियर तक तो रेटिनल विटामिन ए का डेरिवेटिव है विटामिन सी का डेरिवेटिव नहीं होता है इसलिए ये हो गया, और ही इसमें, तो आपका, थर्ड हो गया क्लियर तक फोर्थ पे आप देख रहे हो रोडोप्सिन इज द पर्पलिस रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रोड सेल्स रोड सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो है वो पर्पल रेड कलर का फोटोपिकमेंट होता है रोडोप्सिन तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपको इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है इन करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर तक इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में आप देखें इन मैमेलियन आई द फोबिया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर क्या होगा फोबिया वाला जो एरिया है इसमें आपने देखा भी पिछले डायग्राम में आप देखिए फोबिया वाला एरिया कौन सा है ये फोबिया सेंट्रलिस है ये होता है फोबिया सेंट्रलिस जो गर्थ होती है यहाँ पे वो फोबिया सेंट्रलिस होती है तो इस फोबिया सेंट्रलिस में पूछ रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है तो फोबिया के अंदर इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड विजुअल फील्ड का सेंटर होता है जहाँ सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन होता है सबसे क्लियर इमेज बनती है वो पॉइंट है वो फोबिया या मैक्यूलिटी होता है तो इसके अंदर आप देखें क्या चीज प्रेजेंट होती है ओनली रोड्स आर प्रेजेंट गलत है रोड सेल इसमें होती नहीं है कौन सी सेल होती है फोबिया वाले पार्ट में ओनली कौन सेल प्रेजेंट होती है रोड सेल्स एबसेंट होंगी क्लियर यहां तक तो ओनली रोड सेल्स कौन सेल्स इसमें एबसेंट होंगी तो इसके हिसाब से मोर रोड्स देन कॉन्स आर फाउंड मोर रोड्स कौन की बजाय रोड ज्यादा होती है गलत है नेक्स्ट है हाई डेंसिटी ऑफ कॉन सकर्स बट हैज नो रोड्स ये करेक्ट है इसमें कौन सेल की हाई डेंसिटी होगी लेकिन रोड सेल्स सेल्स कंप्लीटली तो कौन हाई डेंसिटी में होंगी और रोड सेल्स कंप्लीटली द ऑप्टिक नर्व लीव द आई ऑप्टिक नर्व जो है वो यहां से आई से बाहर निकल रही है ये कौन सा पॉइंट होता है ये ब्लाइंड स्पॉट के लिए होता है इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मैट फोटोसेंसिटिव कंपाउंड जो है वो किससे बनेगा तो किस रोडोप्सिन होता है तो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड रोडोप्सिन होगा फोटो सेंसिटिव कंपाउंड रोडोप्सिन होता है और ये रोडोप्सिन किससे बना होता है रोडोप्सिन बनता है ऑप्सिन प्लस रेटिनल तो रोडोप्सिन है वो ऑप्सिन प्लस रेटिनल से बना होता है जो क्या होता है रेटिनल जो है है वो इसमें क्या होता विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव जो है वो रेटिनल होगा और ऑप्सिन है इन दोनों से मिलकर बना होता है तो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज इनमे किससे बना होता है ऑप्सिन और रेटिनल से बना होता है फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और रेटिनल क्लियर अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय ट्रांसपेरेंट जो लेंस है कहां प्रेजेंट होता है ट्रांसपेरेंट लेंस में आपको ध्यान होगा जैसे ये यहां ये कोरोइड है वो आगे की तरफ क्या बनाएगी सिलेरी बॉडी तो आगे की तरफ जो है वो कोरोइड सिलरीरी बॉडी बना देती है और यही सिलेरी बॉडी आगे की तरफ झुक के जो है वो क्या बनाएगी ये आयरिस बनाएगी और यहाँ तक ये सिलरी बॉडी होती है और सीलेरी बॉडी जो होती है इसके यहाँ से सस्पेंसरी लिगामेंट निकलते हैं तो यहाँ से ये यह इसके सस्पेंसरी लिगामेंट जो निकलेंगे वो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो लेंस को ऐसे अपनी जगह पे हेल्ड रखेंगे क्लियर आता है तो लेंस अपनी जगह पे होल्ड रहता है तो वो किसके थ्रू होता है वो सिलरी मसल्स जो होती हैं सिलियरी बॉडी है

अटैच टू दिलियरी बॉडी सीलियरी बॉडी से जो लिगामेंट अटैच है वो इसको अपनी जगह पे होल्ड रखते हैं क्लियर तक तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो गया क्लियर अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है पहला स्टेटमेंट है कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर Which is highly vascularized. Cornea, आपको एवस्कुल्लड सप्लाई नहीं होती इसीलिए हो की ग्राफ्टिंग को सबसे ईजी ग्राफ्टिंग मानी जाती है तो इसका मतलब कैसा हो गया करेक्ट है या इनकरेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि कॉर्निया जो है वो कैसा होता है जो है नॉन वस्कुलराइज स्ट्रक्चर होती है ब्लड सप्लाई नहीं होती इसमें तो पहला इनकरेक्ट हो गया

लाइट रेज है वो लेंस पर फोकस होती है क्लियर आता इसलिए सबसे सेंसिटिव पार्ट जो आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है वो कॉर्निया ही होता है क्लियर आता तो सेकंड स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा इसमें आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा थर्ड में अगर हम देखें तो कोर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटोनेशियस कवरिंग ऑफ आईबॉल प्रोटेक्टिव प्रोटोनेशियस कवरिंग ऑफ आईबॉल है

आई आई का सबसे सेंसिटिव पोर्शन होता है ये तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखें स्लो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू अंटार्क्टिक रीजन के अंदर जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है बर्फबारी होती है उन एरिया के अंदर जो है वो अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता या स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है बर्फ के कारण से जो है वो अंधता या ब्लाइंडनेस होती है तो इसका क्या कारण होता है तो इस ब्लाइंडनेस का जो कारण होता है स्नो ब्लाइंडनेस का हिम अंधता का इसका कारण, कारण क्या है हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो गलत है स्नो से हाई लाइट जो है वो हाई रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं होता तो ये गलत है डैमेज टू रेटिना कोज बाई इंफ्रारेड रेज ये भी गलत है इंफ्रा रेड रेज के कारण रेटिना डैमेज नहीं हो रही फ्रीजिंग ऑफ फ्लूड्स इन द आई बाई लो टेम्परेचर आई के अंदर लो टेम्परेचर के कारण से फ्लूड जो होता है वो फ्लू होता है वो फ्रीज हो जाता, जम जाता है इनफ्लामेशन ऑफ कोर्निया डू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन यूवी रेडिएशन जो है उनकी हाई डोज के कारण कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है कॉर्निया सूजन आ जाती है कॉर्निया में कॉर्निया के अंदर होने वाली स्वेलिंग के कारण जो है वो प्रोपर रिफ्लेक्शन लाइट रेज का नहीं हो पाता और उसके कारण से जो है वो दिखना बंद हो जाता है तो वो होता है इनमें स्नो ब्लाइंडनेस और ये स्नो ब्लाइंडनेस के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि हाई डोज यूवी रेज की जो हाई डोज है उस यूवी रेडिएशन की हाई डोज के कारण जो है वो कॉर्निया के अंदर इंफ्लामेशन हो जाएगा और कॉर्निया के इन्फ्लामेशन से जो है वो दिखना बंद हो जाता है क्लियर यहां तक तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर अब उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 33 33 क्वेश्चन है ए जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ एक जिमनास्टिक करने वाला आदमी है वो अंधेरे में भी अपने आप को कलाबाजी दिखाते हुए वो अंधेरे में भी अपने आप की बॉडी को बैलेंस बना सकता है तो बॉडी की बैलेंसिंग के लिए अपने में कौन सा रिसेप्टर कौन सा सेंस organ

बैलेंसिंग के लिए तो बैलेंसिंग के लिए जो पार्ट है उसका वो कौन सा पार्ट रहेगा इंटरनल ईयर का वेस्टिबुलर पार्ट क्लियर यहां तक तो क्या पूछा है ए जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस बॉडी अपसाइड एंड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस डार्कनेस होने के बाद भी अंधेरा होने के बाद भी वो अपने आप की बॉडी को बैलेंस कर लेता है किसके कारण कर पाएगा ऑर्गन ऑफ कोटाई किसमें होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है कोकलिया में तो ये हेयरिंग से रिलेटेड है इसका इससे कोई मतलब नहीं होता कोकलिया हेयरिंग से रिलेटेड है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो ऑर्गेन ऑफ कोर्टी के ऊपर प्रेजेंट होती है ये भी हेरिंग से रिलेटेड है वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है वो इसमें बैलेंसिंग के लिए होता है वेस्टिबुलर एपरेटस कौन सा है जिसमें यूट्रिकुलस सेक्युलस और सेमी सर्कुलर के नाव होती हैं वो इनमें वेस्टिबुलर एपरेटस है जो क्या काम कर सकता है उसका फंक्शन ही बॉडी को बैलेंस करना है जिसके अंदर स्टैटिक बैलेंस के लिए मैक्यूली और डायनेमिक बैलेंस के लिए सेंसरी क्रिस्टा होती है क्लियर आंसर तो ये करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना इसमें देखिए आप ऑर्गन ऑफ कोर्टी ऑर्गन ऑफ कोर्टी लोकेटेड ऑन द बेसुलर किस पे प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्रेन पे प्रेजेंट होता है आपने देखा होगा कोकलिया के स्ट्रक्चर में इस टाइप से कोकलिया की स्ट्रक्चर होती है ये तीन तरह के जो है वो स्केला होते हैं स्केला अलावा स्केला मीडिया स्केला टिम्पेनाई तो इसके मीडिया जो होता है इसके अंदर यहाँ ऑर्गन ऑफ कोर्टी होते है हैं और इसके ऊपर टेक्टोरियल मेमब्रेन होती है क्लियर आ तक और ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ पे प्रेजेंट है ये बेसुलर मेम्रेन है यहाँ पे और यहाँ पे रिजनस मेम्ब्रेन है तो बेसुलर मेमब्रेन पे प्रेजेंट होता है सही है यहाँ तक फिर एक कोकलिया कोल्ड पार्ट ऑफ

अटैच होती है और इंटरनल ईयर के साथ जहां अटैच होती है वहां कौन सी विंडो पे ओवल विंडो पे ऊपर ओवल विंडो नीचे राउंड विंडो होती है तो ओवल विंडो के साथ इसको कनेक्ट करती है तो इसके साथ क्या आना चाहिए स्टेप इस अटैच टू द ओवल विंडो तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आना चाहिए आंसर ए के साथ फोर फिर सेकेंड फोर सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड फोर सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट आंसर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इनमें जो है वो सारी मैचिंग हो गई क्लियर यहां तक तो ये आपने देखा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के और रिसेप्टर के क्वेश्चन जो है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में नीट में आ रहे हैं अब आपने देखे रिसेप्टर के अंदर भी आई और ईयर में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ध्यान आपको आईज के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इसलिए ये वेटेज आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं समझ गए ताकि अब इस कम टाइम में आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करके और एक बहुत ही तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो क्लियर ओके बाय थैंक यू